हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ पूजा और आज मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो मेरा एक शॉर्ट वीडियो था मेकअप लुक का, सो उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैं वो लुक पर वीडियो शेयर करूँ। एंड ऑनेस्टली वो लुक मैंने जब क्रिएट किया था, वो बहुत पुराना वीडियो है और मैंने उसका कोई मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि मैंने वो लुक क्रिएट कैसे किया था, बट मैंने वो शॉर्ट वीडियो देख के ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो आई होप जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनको ये वीडियो अच्छा लग जाए और बाकी लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लग जाए। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को भी हिट कर दो, जिससे आप लोगों को सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप अप कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने टोनर का यूज़ किया है। एंड देन उसके बाद एक कॉटन पैड से मैं इस टोनर को पूरे फेस पे अच्छे से वाइप कर लूँगी, ताकि फेस जो है वो अच्छे से और ज़्यादा क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने सीरम यूज़ किया है, ये पैरेने का सीरम है। इसका वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये सीरम यूज़ किया है। देन मैं पहले आई मेकअप करूँगी, तो उसके लिए मैं पहले अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ADS का ब्राउन कलर का जेल लाइनर लिया है और बहुत अच्छे से फिल हो जाता है। देन मैं आई मेकअप के लिए पहले कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी आईलिड पर एज अ आई बेस, और ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, तो इसको अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही मैं अच्छे से पैट कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी। आई मेकअप के लिए मैंने पहले एक लाइट पिंक कलर लिया है और इसको एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं पूरी अपनी जो आईलिड है उस पर ब्लेंड करूँगी अच्छे से, और जितना मुझे डिज़ायर कलर चाहिए मैं तब तक इसको ब्लेंड करती रहूँगी। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेशन जो है वो आ गई है। नेक्स्ट मैंने एक और डार्क पिंक शेड लिया है, तो इसको अपनी जो मेरी क्रीज लाइन है उस पे डिपॉज़िट करूँगी, ताकि जो डेप्थ है वो अच्छी मिले और काफ़ी अच्छे से वो पिगमेंट है वो उभर के दिखाई दे। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये डार्क हो चुका है। देन मैं यहाँ पे अपनी तो आईलिड पर कंसीलर पैट कर रही हूँ, इस तरह से आप देख सकते हो बहुत ईजिली इससे हो जाता है, लाइक मतलब जैसे कट क्रीज होता है ना वैसे ड्रॉ हो जाता है काफ़ी अच्छे से। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश पर पर्पल शेड लिया है और ये शिमर शेड है, बट वो फ़ोन में फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा वो मैट दिख रहा होगा, बट ये शिमर शेड है। तो इस तरह से मैं ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी, और ब्रश में इसमें ना काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट नहीं आया था, तो ब्रश से लगाने के बाद मैंने इसको ना फिंगर टिप की हेल्प से भी पैट किया था, तो थोड़ा पिगमेंटेशन और ज़्यादा अच्छे से आ गया था। उसके बाद मैं पूरा जो मैंने आई मेकअप किया है, जितने आई शेडोज़ हैं उनको अगेन एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, ब्लू हेवन का ये आईलाइनर है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल है, और मेरी आईलिड पे तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी इस तरह से, और मैं सच बताऊँ ना बहुत दिनों के बाद मेकअप कर रही हूँ, तो बहुत टाइम लगा था इस बार मुझे मेकअप करने में, बट खैर कोई नहीं, रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो मैंने आई लाइनर अप्लाई कर लिया है, एक आई का मेकअप जो है वो डन हो गया है, दूसरी आई का मेकअप ऑफ कैमरा मैंने किया हुआ था। और अब हम चलते हैं फेस पे। तो मैंने यहाँ पे फेस प्राइमर लगा लिया था, NYBA का फेस प्राइमर लगाया था मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबिलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन लगा रही हूँ, बट यहाँ पे क्या हुआ था ना कि वो प्राइमर लगाने के बाद जब मैंने ये फाउंडेशन लगाया तो मुझे अपना फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई सा लग रहा था। एक्चुअली मैं ये फाउंडेशन वैसे भी मैट फिनिश देता है, बट और ज़्यादा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का एक फाउंडेशन क्रीम लगाया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये ना एक ड्यूई लुक देता है, और अगेन इसको लगाने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। और वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड ही रखा है, ताकि वीडियो जो है वो मेरा ज़्यादा लंबा ना हो, और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी हर जगह।
नेक्स्ट मैंने सेम कंसीलर लिया है, वही स्विस ब्यूटी का कंसीलर, शेड नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं इसको अंडर आई पे, नोज़ पे और लिप्स के अराउंड जहाँ जहाँ पे मुझे स्पॉट्स हो रखे हैं, डार्कनेस है, वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कंसीलर भी काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जा रहा है और ये कंसीलर सच में काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। और सबके बाय लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी, जिसके लिए मैंने मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट यूज़ किया है और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है, आप ले सकते हैं। मैंने सारे ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, तो मैं बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करती हूँ, मुझको ना मतलब हैवी कॉन्टोरिंग पसंद नहीं है, तो बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग करूँगी। तो वो जो चीक्स होते हैं वहाँ पे, जॉ लाइन पे सॉरी, और फोर हेड पे और चिन पे करना सबसे बढ़िया लगता है, मतलब जो हमारी थोड़ी बहुत डबल चिन है ना वो फिर दिखाई नहीं देती है जब हम फोटोज़ वगैरह लेते हैं ना, तो उनमें काफ़ी अच्छा लगता है फेस हमारा। तो मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लूँगी और नोज़ की कॉन्टोरिंग भी करूँगी, वरना वो नोज़ जो है ना वो फ्लैट फ्लैट सी दिखती है, इसलिए नोज़ की कॉन्टोरिंग ज़रूर किया कीजिए। तो बहुत लाइट कॉन्टोरिंग की है, बेस मतलब लाइट ही रखा है, ज़्यादा हैवी नहीं रखा है। नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी पैलेट लिया था, उसमें मैंने एक ब्लश शेड पिक किया है, थोड़ा ये ना पीची काइंड ऑफ ब्लश शेड है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने सेम पैलेट से हाइलाइटर यूज़ किया है और ये हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप देख सकते हो मतलब जब मैं इसको लगा रही हूँ तो कितना ज़्यादा फेस को अच्छे से नेचुरली ये हाईलाइट कर रहा है, मतलब बहुत हैवी भी नहीं है और ठीक है, जितना आप चाहते हो उस हिसाब से आप हाईलाइट कर सकते हो। तो इसका पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो ब्राउ बोन है वहाँ पे भी मैं हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ, नायका का ये मुझे काजल मैं लगा रही हूँ, ये काजल मुझे ठीक लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ओके काजल मुझे लगा। उसके बाद मैंने जो पर्पल शेड लिया था उसको सेम मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, स्मज कर रही हूँ। सो वो जो वीडियो है ना, शॉर्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो उसमें आई मेकअप जो है वो कुछ इसी तरह से है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एग्जैक्टली सेम नहीं हो पाया है, तो आप लोग देख के बताना कि सेम हुआ या नहीं हुआ। और नेक्स्ट मैंने मस्कारा लिया है, मस्कारा के बाद मैंने ये लिपस्टिक ली है, और ये ग्लिमर स्टिक की लिपस्टिक है, शेड आपको मेंशन कर दूंगी, मैंने ट्रेंड से बाय की थी, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक अच्छा लग रहा हो, एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट